एक बार फिर से वेलकम स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं, लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर अपना जो भी टॉपिक था उस तक के जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने कंप्लीट कर लिए। आज की क्लास में हम एक लास्ट टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं फॉर दिस ईयर। इस टॉपिक का नाम है, प्यारे बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ कैलेंडर। सभी माइक बंद कर लीजिए। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इस टॉपिक की, तो बच्चे से बहुत ज्यादा घबराते हैं, करने से डरते हैं कि पता नहीं इसमें क्या है। लेकिन यकीन मानिए, बच्चों को डर तब लगता है इस टॉपिक से जब उन्होंने इससे पहले के क्वेश्चन, यानी कि अगर हम अपने इस बुक की बात करें, यानी क्वेश्चन नंबर 76 तक, जिसने अच्छे से टॉपिक कंप्लीट नहीं किए उसी को इसमें डर लगने वाला है। अगर उससे पहले के टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किए हैं तो उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, ये भी गारंटी है मेरी। दूसरी बात, अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से नहीं किया तो आप इन क्वेश्चन को बहुत मेहनत के साथ करेंगे तो भी समझ में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है तो भी समझ में नहीं आएंगे। बात करूं मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की, प्यारे बच्चों, तो इस चैप्टर में जो भी हम करेंगे, आई मीन टू से इस टॉपिक में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता है हर एक में हमारे कुछ केसेस होते हैं, ठीक है ना। कुछ केसेस होते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हमें उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और अगर हम केस समझ लेते हैं, आपने एक बात भी देख ली, फिर क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाता, ये सर नो। अगर हम टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लें फिर कुछ खास रह नहीं जाता। यस तो इसलिए सबसे पहला जरूरी होती है कि आप इस टॉपिक, कोई बात नहीं, कहा तुम्हारी आज नेटवर्क वीक है तो मत बोलो। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अभी इसको कंसेप्ट को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में जो है आपके जो केस है प्यारे बच्चों, वो केस है दो, केस फर्स्ट और केस सेकंड। इनको आप ध्यान से समझेंगे, केस फर्स्ट है और एक केस सेकंड है। मतलब सर, मतलब ये कि करने का तरीका जो है वो दो तरीके का हो सकता है, आपको एग्जामिनर दो तरीके का दे सकता है। तो जब दो तरीका दे सकता है तो आपको ये भी पहचानना पड़ेगा ना कि वो दो तरीके आप कैसे अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, करने का तरीका सीख लेंगे। तो सबसे पहले समझो प्यारे बच्चों, इसमें जो होता है केस फर्स्ट में वो होता है एडजस्टमेंट। क्या होता है जी? एडजस्टमेंट ऑफ, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ, इनकमिंग पार्टनर इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। अभी समझाऊंगा इसका मीनिंग। फिलहाल आप केस सेकंड को देखिए, इसमें जो होता है प्यारे बच्चों, इसमें जो होता है एक मिनट दो मुझे, ठीक है। इस स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, यस सर।
कुछ अंतर दिखाई दिया भाई तो आपको दोनों जो लैंग्वेजेस लिखी हमने उसमें कुछ अंतर लगाई दिखाई सर दिया भाई? क्या दिखाई दिया भाई तुम्हें? सर एकांश बहुत नेटवर्क भी गया, आज क्या बात। चलो मैं बता देता हूँ, अगर आप स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई देंगे बहुत ध्यान से समझेंगे। कह रहा एडजस्टमेंट, देखो टॉपिक का नाम ही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब सर क्या है, देखो हम समायोजित करेंगे पूंजी को यानी कि कैपिटल को किसकी, पार्टनर की, यानी कि जब हम एडमिशन चल रहा है हमारा, टॉपिक क्या है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, तो अगर हमारे पास पहले से ही दो पार्टनर हैं ठीक है ना, और इन्होंने एक नया अच्छा पार्टनर को एडमिट कर लिया, तो ये चाह रहे हैं कि हम कैपिटल भी एक नई, कैपिटल भी एक नई फिक्स कर लेंगे, कैपिटल भी क्या कर लेंगे एक नई फिक्स कर लेंगे, तो वो किसके आधार पर करेंगे? तो ये हो सकता है आपका टॉपिक कि एडजस्टमेंट करें किसका, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, पुराने पार्टनर की कैपिटल का। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या कहा मैंने आपको कि एडजस्टमेंट करें किसका, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का, ऑन द बेसिस ऑफ किसके अभी यहाँ पर, इनकमिंग पार्टनर। समझ में आया बात? यानी कि मतलब ये कि जो पुराने पार्टनर की है उनकी कैपिटल भी बदल दी जाएगी, माइक बंद कर लो सभी, किसके आधार पर बदल दी जाएगी, इनकमिंग पार्टनर के कैपिटल के आधार पर। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, केस सेकंड की, तो इसमें एडजस्टमेंट होती है इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, इनकमिंग यानी कि नए पार्टनर की, इनकमिंग कौन सा है, न्यू पार्टनर की कैपिटल, किसके बेसिस पे होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, समझ में आ रहा ना, डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा आपको तो स्क्रीन पर, कि इसमें जो एडजस्टमेंट करी जाती है वो आधार पर की जाती है, किसके आधार पर जी, पुराने पार्टनर की एडजस्टमेंट की जाती है कैपिटल की, नए पार्टनर के आधार पर। जबकि केस सेकंड में जो होता है वो किया जाता है आपका नए पार्टनर की कैपिटल पुराने पार्टनर के आधार पर, सही है जी? यस अब लेकिन केस सेकंड में भी अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो केस सेकंड में भी आपके जो है वो दो केस है, इसको ध्यान से समझेंगे आप। पुराने जो केस सेकंड है इसमें भी अगर मैं कहूं तो इसमें भी आपके पास प्यारे बच्चों दो केसेस हैं, तो इसको ध्यान से समझना है आपको, केस सेकंड के कितने पार्ट हैं जी, केस सेकंड के भी दो पार्ट हैं, ठीक है जी, इसके भी दो पार्ट हैं। तो केस सेकंड का ये ए पार्ट मानिए और ये केस सेकेंड का बी पार्ट मानी है, केस सेकेंड ही, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है केस सेकेंड ही। तो बुक में जो आपको अंतर दिखाई देगा वो आपको समझना है, तो हिंट क्या होगा, केस फर्स्ट को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसका हिंट होगा, ध्यान रखना क्या होगा हिंट, कि इनकमिंग पार्टनर, इन कमिंग पार्टनर कौन होता है जी, इनकमिंग पार्टनर न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर कैपिटल विल गिवन, दी हुई होगी। बताओ समझ में आएगी बात, इसका हिंट क्या समझे, ऐसा हिंट इसका हिंट क्या है प्यारे बच्चों, इसका हिंट यही है इसमें केस इनकमिंग पार्टनर फर्स्ट में जो नया कैपिटल पार्टनर है उसकी कैपिटल गिवन होगी। तो सर इसका हिंट क्या है केस सेकंड का, इसका हिंट भी मैं आपको दे देता हूँ प्यारे बच्चों, घबराओ मत, इसका भी हिंट है मेरे पास, इसका भी हिंट, क्या हिंट है जी सुनिए, इनकमिंग पार्टनर जो इनकमिंग पार्टनर है, इनकमिंग जो पार्टनर है यानी जो नया पार्टनर है, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल विल नॉट नोट गिवन, सिंपल सी बात है, हाँ या ना भाई, सर इसकी कैपिटल, इसकी कैपिटल गिवन है तो इसकी कैपिटल, इसमें कैपिटल गिवन है तो इसमें कैपिटल गिवन नहीं होगी, नहीं सिंपल ठीक है ना, तो इसमें नहीं होगी, इस बात को आप ध्यान से रखेंगे।
तो आप जैसे ही नहीं गिवन होगी तो आप समझ जाएंगे केस सेकंड है, लेकिन केस सेकंड में बात यहाँ आके लग जाती है कि सर केस फर्स्ट सेकंड का ए है या बी है, तो इसको भी साथ साथ समझ लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हमें ना रहे। ये भी बहुत आसान है प्यारे बच्चों, इतनी घबराने वाली कोई बात इसमें भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों जो केस सेकंड का ए है इसमें लिखा रहेगा आपको कि इनकमिंग इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग, जो नया पार्टनर है वो लेकर आएगा हिस शेयर से उसका हिस्सा, मान लेते हैं वैसे ही 1/4 है एग्जाम्पल के लिए, ध्यान रखना से, ठीक है मान लेते हैं 1/4 है, तो 1/4 लेकर आएगा किसकी, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, एग्जाम्पल के लिए एक्स प्लस वाई, आया समझ में बात, अभी बताता हूं इसको देखिए पहले। इसमें क्या होगा कि इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग लेकर आएगा हिज शेयर, हिज शेयर से 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल, ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, पॉइंट टू बी नोटेड, न्यू फर्म, न्यू फर्म मीन्स जहां पर नया पार्टनर भी एडमिट हो गया, तो उनकी टोटल, एग्जाम्पल के लिए एक्स प्लस वाई प्लस नया पार्टनर कौन जेड, तीनों की कैपिटल को जोड़कर जो आएगा उसका हिस्सा निकलेगा। आया समझ में भाई कुछ कुछ, इसमें इसकी पहचान और भी हो सकती है, कभी कभी बुक में साफ साफ बताएगा कि इनकमिंग इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ये रिटर्न में पूरा हो गया। इसको ध्यान से समझेंगे, ज्यादा हर्डल नहीं है। पहली बात तो आपको ये समझना है केस फर्स्ट है या केस सेकंड है। अभी तक के जितने भी स्टूडेंट को पढ़ाया है अभी तक किसी बच्चों को इसमें कभी भी दिक्कत नहीं आती केस फर्स्ट में और केस सेकंड में, क्यों सर, क्योंकि पहचान बहुत आसान है। केस फर्स्ट में क्या गिवन होगा प्यारे बच्चे, क्या गिवन होगा, नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल क्या होगी प्यारे बच्चों, गिवन होगी, जबकि केस सेकंड में न्यू पार्टनर की कैपिटल नॉट गिवन होगी, यानी कि गिवन नहीं होने की। तो कोई भी बच्चा कम बुद्धू से बुद्धू बच्चा अगर वो अपने आप को समझता है, हालांकि कोई बुद्धू नहीं होता, वो भी कर सकता है समझ सकता है, लेकिन जैसे आप शिफ्ट हो गए कि केस सेकंड है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि केस ए है या केस बी है, सेकंड का ए है या बी है, डन। तो केस ए का कैसे पता चलेगा, वो कह देगा, क्या कह देगा जी, कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, यानी कि सिर्फ अगर पार्टनर थे सर किसी फर्म में एक्स और वाई पार्टनर थे और जेड उसमें एडमिट हुआ, तो जेड जो लेकर आएगा ना कैपिटल, जेड कितनी लेकर आएगा, एक्स की जितनी कैपिटल है वाई की जितनी कैपिटल है, दोनों का क्या होगा प्यारे बच्चों, टोटल, टोटल आके जो जेड का शेयर है, एग्जांपल के लिए 1/4 बनना, उसका सिर्फ क्या कर देंगे, 1/4 कर देंगे, यस और नो, यस सर, आई बात समझ में यहां तक, यस सर। अच्छा इसमें क्या करते हैं, इसमें देखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, न्यू फर्म का मतलब है एक्स की भी कैपिटल जुड़ेगी, वाई की भी कैपिटल जुड़ेगी और जेड की भी कैपिटल जुड़ेगी। अब ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट भी है यहाँ पर,
ट्विस्ट ये है प्यारे बच्चे, जब ऊपर हमने पढ़ के आए केस सेकंड में, तो नए पार्टनर की कैपिटल होती नहीं नॉट गिवन, तो फिर हम यहाँ जोड़ कैसे देंगे? तो इसके लिए हमें करना पड़ता है एक वर्किंग नोट। क्या करना पड़ता है? वर्किंग नोट। तो उसमें कोई एक घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक नॉट तरीका बता दूंगा, लेकिन फर्स्टली यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड कि केस कौन, कुछ क्वेश्चन खोल रहा हूँ और पढ़ के दिखाऊंगा आपको, आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा केस है। देखो जैसे प्यारे बच्चों, मैं आपको कहूँ ये क्वेश्चन नंबर 77 है। 77 में मैं सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ के दिखाता, टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, आपको उसी से पता चल जाएगा। जैसे मैं इसकी केस फर्स्ट पढ़ू, कह रहा रैना विल ब्रिंग 40,000 एज हर कैपिटल एंड कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली विल अर्जेंटली। छोड़ दोगे ये बात, इतना लिख रहा है कि रैना विल ब्रिंग, मुझे कोई नहीं बताएगा, सिर्फ शिवम बताएगा कि रैना विल ब्रिंग 40,000 हर कैपिटल। तो प्यारे बच्चों ये बताना है आपको कि इसमें कौन सा केस लग रहा है, शिवम बताएगा केस कौन सा लग रहा है, केस फर्स्ट और केस सेकंड, बताओ भाई कौन सा केस लग रहा है? फर्स्ट शिवम फर्स्ट लग रहा। कैसे पता चला बेटा तुझे? सर कैपिटल दे रखी और बिल्कुल पार्टनर की बिल्कुल, कैपिटल दे रखी वेरी इसमें। गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट, सही है। लेकिन सर एक एक चीज नहीं समझ में आई। क्या नहीं समझ में आई सर? ये बात नहीं समझ में आई सर, कैपिटल तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी दे रखा था, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है? बताओ मेरी बात सही है या नहीं है भाई? सही है सर, सही अगर मैं बात करूं, देखो मैंने यहाँ पढ़ लूं, मैं जस्ट 76 क्वेश्चन खोल लिया मैंने भाई पेपर में, हेडिंग देखो यहाँ तो हेडिंग लिख रहा है मोटा मोटा बुक्स में तो, लेकिन सर। पेपर में थोड़ी लिखाते हैं हेडिंग, बिल्कुल भी आते। यहाँ पे लिख रहा, ये लिख रहा जिया इंट्रोड्यूस 1,25,000 एज इज कैपिटल, तो क्या सर ये भी केस फर्स्ट हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो हाउ हाउ टू हाउ वी जस्टिफाई, तो हम कैसे करेंगे इसको देखना है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नए पार्टनर की कैपिटल भी दे दे, तो सॉरी है ना, एक तो नए पार्टनर की कैपिटल दे दे या कैपिटल ना दे, लेकिन साथ में एक चीज और जुड़ी रहेगी। क्या जुड़ी रहेगी? इस बात को मोटे अक्षरों पर याद रखना, साथ में एक लाइन लिखी रहेगी। क्या लिखी रहेगी सर? एक एडजस्टमेंट वर्ड आपको जरूर मिलेगा, जरूरी नहीं एडजस्टमेंट वर्ड ही मिले, मेरा मतलब है रिलेटेड टू कैपिटल, रिलेटेड टू कैपिटल, ये जरूर आपको मिलने वाला है कुछ ना कुछ। मैं अभी आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, क्वेश्चन नंबर यही देख लिया मैंने पूरा क्वेश्चन एज ए स्टूडेंट फुल पढ़ा, पेपर में आया और ये लिख रहा रैना विल ब्रिंग 40,000 एज कैपिटल। यहाँ तक तो बात खत्म हो गई थी ना, इस आगे की बात कहनी नहीं चाहिए थी, सर लेकिन इसने कही। क्या कही इसमें? कह रहा कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली, हु इज बादल एंड बिजली? बादल एंड बिजली आर ओल्ड पार्टनर, विल बी एडजस्टेड। यू कैन पार्टनर सी हियर कि एडजस्टेड वर्ड भी मिला और भी मिलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ रैनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, दैट मीन्स कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट से रिलेटेड कैपिटल के बारे में कहेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक है चैप्टर का, फिफ्थ टॉपिक है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, और कैपिटल लेकर आ रहा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा है, केस फर्स्ट है। चलो देखो मैं और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 78 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 78 में देखो, कह रहा आसमा इज एडमिटेड, आसमा एडमिटेड हो रही है कैप प्रॉफिट में 3/8 शेयर के लिए विद अ कैपिटल, उसकी कैपिटल रहेगी 2,10,000। अब अगर मैं उनने कहा और गुडविल ऐड करेगी वो कितना है? 50,000 रुपये। अगर मैं प्यारे बच्चों सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ूं है ना, सिर्फ इतना पढ़ूं, पहले एडजस्टमेंट भी पढ़ लूं, दूसरे भी, तीसरे भी और चौथे भी, अगर मैं यहीं तक पढ़ूं तो बताओ ये फिफ्थ टॉपिक का क्वेश्चन थोड़ी है। बताओ फिफ्थ टॉपिक का क्वेश्चन है या नहीं है? बताओ है या नहीं है? नहीं है ना, अगर मैं यहीं तक पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अगर लास्ट तक पढ़ूंगा तो पांचवी एडजस्टमेंट से मुझे कुछ कुछ शक होता है। क्या शक होगा? देखो जी फिफ्थ टॉपिक है, फिफ्थ एडजस्टमेंट है, द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर वर इज टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स आ रहा, और एडजस्टमेंट टू बी डन बाय थ्रू द करंट अकाउंट, तो यानी कि बेसिस ऑफ कैपिटल आ रहा, एडजस्टेड की जाएगी आ रहा ना, तो कुछ कुछ समझ में आया? यस सर, तो यानी कि ये एडजस्टमेंट अब तक ऐसे क्वेश्चन में किसी में भी नहीं आ रही थी, नहीं आ रही थी ना, बताओ मुझे आ रही थी अब तक के क्वेश्चन में ऐसी एडजस्टमेंट? नहीं आ रही थी, सिर्फ ये बता देता था कोई पार्टनर है वो कैपिटल लेकर आ जाएगा या नहीं लेकर आएगा, दैट सो ऑन। ठीक है, तो आया कुछ समझ में? आगे चलो जी, यस सर, आगे चलें।
और क्वेश्चन पढ़ के देखो, ये देखो 79, 79 में कहा जेड है, जेड ब्रिंग करेगा कैपिटल, यहाँ तो सही है इतने प्रॉफिट के लिए। अगर मैं इतनी बात में पूछूं तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, यहाँ तक अगर मैं बात करूं तो कौन सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं इतना ही पढ़ूं तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जैसे ही मैं आगे पढ़ा, बी पढ़ी, सी पढ़ी, डी पढ़ी, ई, मुझे एफ एडजस्टमेंट मिलेगी। एफ में क्या कहा, बाय ब्रिंगिंग और विड्रॉन कैश द कैपिटल ऑफ एक्स एंड आर टू बी मेड प्रोपोर्शनेट टू द दैट ऑन जेड देयर प्रॉफिट सेलिंग रेशियो। तो कुछ शक हुआ ना कैपिटल के बारे में, ऐसी लाइन अभी तक नहीं आती थी, नहीं आती थी ना, बताओ मुझे कैपिटल के लिए कल थी भी ऐसी लाइन नहीं आती थी। तो इसका मतलब पता चल गया हमारा, ये टॉपिक नंबर कौन से का है, पांचवे का क्वेश्चन। और इन दोनों को मैं मिला दूं तो वहां पर सर ने बताए थे केस दो है, कौन सा केस, फर्स्ट और केस सेकंड, और सेकंड में दो है ए और बी। तो बताओ इसमें कौन सा केस है, कौन सा सेकंड का बी। नहीं बेटा ये लिख तो रही जेड ब्रिंग, हाँ अच्छा ठीक है, तुमने प्रोपोर्शनेट देख लिया। देखो बेटा प्रोपोर्शनेट जब देखना है जब कैपिटल ना गिवन हो, पहला तो पहचान यही है। अगर मैं नोट्स में भी देखोगे आप तो मैंने जो नोट्स बनवाए तो नोट्स में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला हिंट तो यही दे दिया ना, कैपिटल विल गिवन और कैपिटल विल नॉट गिवन, तब आपको सोचना है आगे की कहानी। तो ये प्रोपोर्शनेट तो यहाँ आया, तो ये तो बाद की कहानी है, ठीक है। तो फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड जस्ट ओनली कि कैपिटल गिवन है या नहीं गिवन है, तो कैपिटल तो गिवन है, तो कौन सा केस हो गया, केस फर्स्ट हो गया, डन जी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जब चले तो यहाँ पर देखो कह रहा W will bring 50,000, अगर मैं इतना पढ़ू तो कौन सा सिंपल केस, यस और नो, यस सर, सिंपल केस। आगे पढ़ू मैं, ये रहा कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर विल बी एडजस्टेड, तो क्या पता चलता है कि ये स्पेशल केस हो गया, यानी कि टॉपिक नंबर पांच का केस हो गया, हाँ या ना, पांचवा टॉपिक हो गया। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दूं जितना मैंने पढ़ लिया उसके आधार पर कौन सा केस, केस फर्स्ट या केस सेकंड, बोलो बेटा सर, केस फर्स्ट ही है, केस फर्स्ट ही है, केस फर्स्ट ही है। कैसे पता चला मुझे केस फर्स्ट ही है, बिकॉज जेड विल ब्रिंग, तो दे तो रखा कैपिटल लेकर आएगा, कैपिटल ला रखी, हाँ बिल्कुल सही, कैपिटल ला रखी है तो केस फर्स्ट है। आगे आ जाओ जी, ये देखो जी क्वेश्चन नंबर 83 कहता है रमन और रोहित दो पुराने पार्टनर हैं, इन्हें कहा द ऑन द अबाउट डेट सलोनी वॉज एडमिटेड, लो जी सलोनी एडमिटेड होगी, रमन सरेंडर इतना शेयर, रोहित ने भी सरेंडर किया इतना शेयर, इट वॉज एग्रीड कि प्लांट और मशीन दी हो जाएगा, प्रोविजन में हो जाएगा, क्लेम में हो जाएगा, लाइबिलिटी में हो जाएगा, और सलोनी विल ब्रिंग 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है गुडविल लेकर आएगी, और क्या बताया एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, क्या लेकर आएगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगी। क्या यहाँ पर कहीं कैपिटल की अमाउंट गिवन है या सर नो, कैपिटल की अमाउंट नहीं है, तो कौन सा केस लगा भाई, कौन सा केस लगा, केस सेकंड। नाउ माय क्वेश्चन इज केस सेकंड में भी दो केस हैं प्यारे बच्चे, केस ए और केस बी, सो कौन सा केस है ए या बी, नहीं बेटा जब प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, जब केस सेकंड में पहुंच जाओगे और प्रोपोर्शनेट होगा तो ये लिख रहा प्रोपोर्शनेट, केस सेकंड मतलब केस सेकंड का बी होगा, ठीक है केस सेकंड का कौन सा होगा बी, ठीक है मतलब ठीक है, ठीक है आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। ये देखो ऊपर पढ़ लेते हैं, ये रहा कह रहा ओ वॉज एडमिटेड, ओ ने एडमिट हुआ है, उनका न्यू रेशो इतना हो जाएगा, गुडविल इतनी है, वो ब्रोड गुडविल लेकर आएगा, द मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की मशीनरी दे दिया, क्रेटर दे दिया, यहाँ पे दिया लास्ट एडजस्टमेंट, क्या कह रहा ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ओ क्या लेकर आएगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, कौन सा केस, अब तो डायरेक्ट बता दो कौन सा केस, बिल्कुल सही केस सेकंड का बी, ऐसे बताए करो पूरा, हाँ जी चलो सर।
उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख रहा कि दे डिसाइड टू एडमिट महेश ऑन 1 अप्रैल, है ना, एक्वायर महेश विल ब्रिंग, माइक बंद कर लो बेटा, डेटर बता दिया, मशीन ने बता दिया, है ना। ये लिख रहा महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20%, महेश लेकर आएगा कैपिटल 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम। राम और श्याम कौन थे? पुराने पार्टनर। कौन सा केस लग रहा भाई? सर सेकंड ठीक है, केस सेकंड का ए। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मुझे कैसे पता चला? कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहेगा कंबाइंड कैपिटल ऑफ का राम एंड श्याम, यानी कि पुराने पार्टनर की। एज यू कैन सी इन द नोट्स, और नोट जब भी मैं कहता हूँ तो नोट किया करो। देखो कह रहा है इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग, लेकर आएगा अपना हिस्सा, जैसे उसमें कहते हैं 20% कंबाइंड कैपिटल, किसकी कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो वहां पे ये तो नहीं कहा ओल्ड पार्टनर, उन्होंने कह दिया राम एंड श्याम। तो मुझे पता चल गया केस सेकंड का ए है। अच्छा, अभी तक केस सेकंड के बी में हमेशा हर क्वेश्चन में उसने प्रोपोर्शनेट वर्ड यूज किया है, लेकिन जरूरी नहीं पेपर में वो प्रोपोर्शनेट ही यूज करे। वो ये भी कह सकता है कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्या कह सकता है? कंबाइंड कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, ठीक है। या वो ऐसे भी कह सकता है ए प्लस बी प्लस सी। तो भी आपका केस सेकंड का बी है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। यस और नो? यस ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप इसको नोट जरूर करना ना अपनी फेयर नोटबुक में, अगर आप ये नोट करते हैं, और फ्यूचर में आपको कभी भी देखने की जरूरत पड़ती है, चाहे आप वो 12th क्लास में देखें, चाहे आगे जर्नी में आप वहां पर जाते हैं बीकॉम में, तो आप इन नोट्स को देखकर आप अपने क्वेश्चन कभी भी समझ सकते हैं, और टॉपिक आपको हमेशा समझ में आएगा। तो इसी उम्मीद से आप इसको नोट करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कल की क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन होने वाले हैं, ताकि और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। तब तक के लिए टेक केयर।